MMCC YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आप देखेंगे, कल तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 64 क्वेश्चन तक हुआ था, आज से हम 65 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज क्लास ख़त्म हो जाएगा सेक्शन ए का, RS होगा सेक्शन ए का, कल से हम सेक्शन बी आज पढ़ाएंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रयमूल और विक्रय मूल्य दोनों से 100 रुपया कम कर दिया जाए। क्रयमूल हमने मान लिया 1 यूनिट, विक्रय मूल्य 20% लाभ 120/100, विक्रय मूल्य हो गया 6 यूनिट/5। अगर क्रयमूल से 100 घटा देते हैं, विक्रय मूल्य से 100 घटा देते हैं तो लाभ पहले से 5% अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ 20% लाभ हो रहा था, 5% अधिक करेंगे 125/100, दोनों का मूल्य आपस में बराबर। जैसे ही कटाएंगे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से गुणा होगा 5 यूनिट, माइनस हो जाएगा 500, 4 से गुणा होगा 24 यूनिट/5 माइनस 400। बटा का घटाव बना लीजिए, 5 को इधर गुणा कर दीजिए, 25 यूनिट माइनस 2500 बराबर 24 यूनिट माइनस 2000, 24 यूनिट आके घटेगा 1 यूनिट, 2500 जाके उधर जुटेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 500। क्वेश्चन क्रैमूल पूछा है, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू आपका बन गया 500। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। 66 दिया हुआ, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से कुछ चावल खरीदता है, उसका 10% नुकसान हो जाने पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। हमने माना टोटल 100 किलोग्राम अनाज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 के जी ही, आप कुछ भी यहाँ मान सकते हैं। 75 के दर से अगर आपने खरीदा तो आपका 7500 रुपया लगेगा। 10% खराब हो जाता है, आपके पास अनाज बचा 90 किलोग्राम, आपको 20% लाभ कमाना है। तो जैसे ही आप 120% निकालेंगे, कटने के बाद आ जाएगा 900 रुपया, यानी आपको 90 केजी को 900 रुपये में बेचना है, 9000 रुपये में बेचना है। तो 1 केजी को आप किस दर से बेचेंगे, आपका कीमत बन जाएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम। 66 नंबर क्वेश्चन का है, एक वस्तु को 16% लाभ की अपेक्षा अगर 20 रुपया अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है। हमने देखा 116 से 20 जाने में 4%, जबकि रुपया में दिया हुआ है 20 रुपया, इसलिए 1% का वैल्यू 5। तो आपसे क्रैमूल पूछा गया है, 100% का वैल्यू हो जाएगा 5 × 100 बराबर 500 रुपया। 500 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन का, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति दर से बेचता है, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसका टोटल फाइनली बताना है कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। 10% का लाभ, तो पहला वस्तु 110 का वैल्यू हमने 99 दिखा दिया, जहां क्रयमूल निकालेंगे 100% का वैल्यू आ जाएगा 90 रुपए, यानी पहला वस्तु का क्रयमूल है 90 रुपया, जबकि दूसरा 10% के हानि के साथ 99 में बेचता है, उसका हम क्रयमूल 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरा वस्तु 110 रुपया। अगर टोटल क्रयमूल हम देखें तो 200 रुपया हमारा लग गया था, जबकि विक्रय मूल्य हमारा 99 99, 198 रुपया विक्रय मूल्य था। अगर हम 200 रुपये खरीदेंगे, 198 में बेच देंगे, तो 2 रुपये की हानि होगी, 2 रुपये की हानि हमारा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन का है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उस परिस्थिति में आप विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, लाभ दिखाएंगे 25, तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रयमूल। फिर से आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, जहां लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रयमूल, प्रतिशत के लिए 100, 25 से 3 बार में आ जाएगा 100/3, 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.1/3%। क्वेश्चन 73 क्वेश्चन का है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल, अगर हम उनके माल को 100 वैल्यू दे देते हैं और इसका 3/4 आप निकाल के देख लीजिए, 100 का 3/4 निकालेंगे, 25 से कटेगा और देखिए 75, 75 को 20% लाभ पर अगर बेच दिया तो विक्रय मूल्य आ गया 90 के बराबर, शेष को क्रय मूल्य पर ही, यानी शेष 25 बचा, 25 को 25 में बेच दिया, तो उसका टोटल विक्रय मूल्य 115, जबकि क्रय मूल्य 100 था। अगर 100 से 115 देखा जाए तो हमें 15% का लाभ होता है, लाभ ही पूछा है तो 15%। 81 क्वेश्चन कहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 80% के बराबर है, देखिए अंकित को यहाँ हमने 100 दिखा दिया, क्रयमूल हो गया 80, 12% का छूट। तो हमने आपको बताया था कि और जब भी छूट देना होता है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, और 12% का छूट देंगे तो छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है वो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 88। अगर क्रयमूल 80 विक्रय मूल्य 88, तो ऐसा गलती नहीं करना है कि 80 से
88 का 8% लाभ लिख देना है, वो तब होता है जब क्रैमूल 100 होता है। यहाँ पर 80 है इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है, 80 से 88 में 8 का लाभ हुआ बटा में क्रैमूल 80% के लिए 100, 8 से कटा देंगे 10 बार में, शून्य से शून्य और लाभ हो जाएगा 10%। ध्यान में रखें बीच में जितना क्वेश्चन छोड़ दिए वो आपसे बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजिए, उसका सोल्यूशन हम देंगे 10%। क्वेश्चन 82 क्वेश्चन कहा है, किसी व्यापारी ने बिक्री के सिलसिले में 25% छूट की घोषणा की, 320 रुपये वाली कितनी कमीजें खरीदी जाए कि 400 रुपये की छूट। तो सबसे पहले छूट की राशि निकालिए, देखिए 320 रुपये की 60 है, 25% की छूट, तो छूट हमारा बनता है 1 60 से 80 रुपया। तो 80 रुपये के हम कितने 60 खरीदे कि टोटल 400 रुपये की छूट हो जाए। 80 से कटा दीजिए 5 बार में और 60 की संख्या आ जाएगी 5, 5 हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन कहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्रैमूल से 20% अधिक, तब देखिए क्रैमूल माना गया है 100, 20% अधिक 120, अगर 20% की छूट दी जाए तो छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, 120 का 80% निकालेंगे तो छूट के बाद जो मूल्य बनता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बनेगा 96। तो हमने देखा कि अगर हमने 100 में खरीदा और 96 में बेच देते हैं तो यहाँ पर हमें हानि होगी, 100 से 96 4% की हानि। भाइयों इसीलिए दम लगा के थोड़ा बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने बड़ा धीरे धीरे बोला था तो लोगों का कमेंट आया कि सर थोड़ा सा दम लगाइए, लगाइए। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन कहा है, कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है तथा 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। आपको बताया गया था सूची मूल्य, निर्धारित मूल्य, अंकित मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य सब एक ही होता है और हमेशा सूची मूल्य अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, इसलिए 10% का छूट 90/100, लाभ हानि क्रैमूल पर होता है, 20% का लाभ तो 120/100, लेकिन क्रैमूल यहाँ दिया हुआ है 450 रुपया। आप 450 लिखेंगे, 100 से 100 खत्म, 90 से कटेगा 5 बार में, 5 में 120 से गुणा करेंगे, सूची मूल्य आपका बनेगा 600 रुपया, 600 रुपया। अगला 86 नंबर क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन का है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बटे पर देता है, यदि 9% का बटा दे तो 15 रुपये का कम लाभ होता है। देखिए पहले 7 का बटा यानी 93% पर बेच रहा था, उसके बाद 9% का बटा यानी 91% पर, बीच का हमने वैल्यू देखा 2% कम हो जाता है, जबकि रुपया में दिया हुआ है कि 15 रुपये की कमी, 2% से 2 से कटा देंगे तो आ जाएगा 1% का वैल्यू 7.5, 100% का वैल्यू निकालेंगे, 7.5 गुणा 100 बराबर 750 रुपया, 750। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन दिया है, पुस्तक को उस पर छपे मूल्य के 10% बटा देने के उपरांत 12% का लाभ। देखिए क्रैमूल अपने आप में 100%, छपा मूल्य दिया नहीं है लेकिन 10% का छूट 90/100, 12 का लाभ, लाभ हानि हमेशा क्रैमूल पर होता है और क्रैमूल आपने मान लिया है 100, तो क्रैमूल हटा दीजिएगा, यहाँ 100 लिखिए, शून्य से शून्य खत्म, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य खत्म और देखिए छपा मूल्य आपका आ जाएगा 1120/9। अब छपा मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आपने मान ही लिया है, आपको अनुपात निकालना है, पहले क्रय मूल्य और फिर छपा मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य आप लिखिएगा 100, छपा मूल्य 1120/9। तो देखिए शून्य से शून्य आपका खत्म, ये 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 56 बार में, 9 आके गुणा होगा और आ जाएगा 45/56, 45/56 हमारा आंसर। भाइयों बहुत लोगों का यही कॉमेंट आया कि सर आप अपना फेस नहीं दिखाते हैं, क्या करें फेस दिखाने में बहुत छोटा पड़ जा रहा था इसलिए फेस हटा दिए। अगला 89 नंबर क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपने माल को क्रैमूल से 30% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रैमूल अगर हमने 100 माना तो अंकित मूल्य 130, 15% का बटा, हमने आपको बताया बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और अंकित मूल्य है आपका 130, तो आप यहाँ दिखाइएगा 130 85/100, ये शून्य शून्य खत्म, 13 से गुणा कीजिए हो गया 65, 104 और 6 110 यानी 110.5, जैसे ही अंकित मूल्य पर छूट दे देंगे वो हमारा विक्रय मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य आ गया 110.5 और आपका क्रय मूल्य आपने माना था 100, तो बीच में हमें लाभ बन गया
10.5% का। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 84 रुपए का लाभ होता है, तो क्रेमुल बताइए, यानी 10.5% का वैल्यू दिया हुआ है 84 रुपया, तो आपको निकालना है 100%। आप 10.5 से 84 कटाएंगे, 8 बार में कटेगा, और क्रेमुल अपने आप में 100% है, इसलिए 100% का वैल्यू 8 × 100 = 800 रुपया। 800 रुपया हमारा आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन दिया है 20% तथा 15% के क्रमिक बटे के समतुल्य बटा क्या होगा। बड़ा आसान होता है, आप अपना मूल्य मानिएगा, फेस वैल्यू 100, 20 का बटा तो 80/100, 15 का फिर से दोबारा बटा तो 85/100। जैसे ही आप कटाइएगा, 100 से 100 खत्म, 20 से 4 बार में, और 20 से ये 5 बार में, 5 से ये कटाइएगा 17 बार में, और देखिए आ गया 68%। तो आप अपना 68% आंसर मत दीजिए, आपको अपने फेस वैल्यू से अभी बचा वैल्यू घटाएंगे तो आएगा 32%, यानी समतुल्य बटा हमारा बनेगा 32%। क्वेश्चन 98 से लेके 103 तक आप बना सकते हैं, क्योंकि दो दो बटा वाला था, यहाँ पर 3 बटा देना है और समतुल्य बटा निकालना है, इसलिए फेस वैल्यू 100। पहला 30 का बटा तो देखिए 70/100, दूसरा 20 का बटा तो 80/100, तीसरा 10 का बटा तो 90/100। आप इसको कटा के देखिए, कटाएंगे तो आपका बनेगा 50.4%। हमेशा ध्यान में रहे, ये हमारा छूट नहीं, ये हमारा वैल्यू आया। आप अपने 100 से अपना बचा वैल्यू घटाएंगे तो आपका छूट बनेगा, छूट बराबर 49.6%। 109 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, पहला 8% दूसरा दिया है 9, लेकिन जबकि होना चाहिए 8% और 8% के दो क्रमिक बटे देने के दिए जाते हैं, यदि इन दोनों क्रमिक बटे को 16% का एक मात्र बटा, तो पहले देखिए 2 क्रमिक बटे दीजिए, कटाइए तो आपका वैल्यू बनेगा 761.76। लेकिन एक क्रमिक अगर 1 बटा दिया जाए 16%, तो 84/100, देखिए 0 से 0 खत्म, यहाँ गुणा करेंगे तो 756, यानी पहले आप बेच रहे थे 761.76 का, अब आप 756 में बेचने लगे, तो आपने देखा कि यहाँ 56 और 61 का अंतर 5.76 रुपया आपको कम मिलेगा। अगर कम मिला तो इतने रुपए की हानि होगी, 5.76 रुपया। 111 नंबर क्वेश्चन, 111 क्वेश्चन दिया है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, पहला 15% एक दूसरा क्रमिक बटा दिया गया, तो उस पेन का विक्रय मूल्य 8.16 रुपया हो जाता है। देखिए पहला 15% का बटा तो 85/100, जैसे यहाँ पर वैल्यू 85 लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पर x का मान वैल्यू है, जैसे ही x का मान आएगा वो हमारा छूट नहीं आएगा, वो हमारा वैल्यू आएगा, उसे 100 में से घटाना होगा, तो दशमलव यहाँ से हटाइए, बटा में आ जाएगा 100, 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा, 5 से ये 17 बार में, 5 से ये 20 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से ये आपका कट जाएगा 5 बार में, और 51 से ये आपका कट जाएगा 16 बार में। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ गया 80, 80% आपका वैल्यू हुआ, तो आप छूट निकालेंगे, छूट बराबर 100 - 80, यानी दूसरा बटा है 20% का, 20% हमारा दिया है। एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को खरीदता है, जिस पर 20%, 15%, 20% और 5% के दो क्रमिक बटे दिए जाते हैं। देखिए 25,000 का पहले 20 दिए 80/100, फिर 5 दिए 95/100, जैसे ही आप कटाएंगे 3, 4, 0 से ये 4, 0 खत्म, ये 295 में गुणा करेंगे 19,000 रुपया, और 1,000 रुपया व्यय कर देता है, तो उसका क्रयमूल पड़ गया 20,000 रुपये में। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25,000 में यदि बेच देता है तो उसका लाभ हानि, अगर 20,000 में कोई वस्तु खरीद कर हम 25,000 रुपये में बेच देते हैं तो हमारा लाभ बन जाएगा 5,000 रुपया, लेकिन आपको तो लाख प्रतिशत निकालना है, इसलिए 5,000/20,000, प्रतिशत के लिए 100, 5,000 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और 25% हमारा आंसर 25%। 117 क्वेश्चन कहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे दे तो 24 रुपया विक्रय मूल्य। देखिए हमने विक्रय मूल्य 24 लिख दिया है और कटा दिया है, कटाने के बाद अंकित मूल्य 30 रुपया, तो फिर क्वेश्चन कहा है कि यदि हम अंकित मूल्य पर 30% का छूट दे, तो अंकित मूल्य जब आपका निकल गया 30 रुपया और 30 का छूट देंगे यानी 70/100, जैसे ही 0, 0 कटाएंगे आपका आएगा 21 रुपया, क्योंकि आप जानते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद
जो राशि आती है वही हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है और विक्रय मूल्य बन जाएगा। यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आरएस अग्रवाल बुक का सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था आप बुक अपने सामने रखिए, क्वेश्चन देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन का हमने कहीं जिक्र नहीं किया है। अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 121 क्वेश्चन कहा है, अंकित मूल्य से अगर 32 रुपए कम कर दे तो 15% का लाभ होता है। लाभ हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है और क्रयमूल आपके बुक में दिया हुआ है 320। आप जैसे ही कटाएंगे शून्य से शून्य खत्म, 2 से ये 16 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से ये 23 बार में, तो अंकित मूल्य बराबर आपका बनेगा 16 में 23 से गुणा करेंगे 368 + 23, 368 + 32 बराबर अंकित मूल्य आ गया 400। अब क्वेश्चन ये कहा है कि यदि अंकित मूल्य पर ही बेच दे, इसी अंकित मूल्य को अगर हम क्रय विक्रय मूल्य मान लें और क्रय मूल्य हमारा 320 था, तो आपको दिख जाएगा कि 320 में आप खरीदेंगे और 400 में बेच देंगे तो 80 रुपये का लाभ होगा। आपको लाख प्रतिशत निकालना है, इसलिए लाख बटा में क्रयमूल, क्रयमूल लिखेंगे 320, प्रतिशत के लिए 100। 80 से ये कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया 25 बार में और लाख आपका बनेगा 25%। 25% हमारा आंसर। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे आपको कल प्रॉफिट लॉस का सेक्शन भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।